unites.com, redefining Bollywood. वो संभाला तब से एक्टर ही बनना चाहा और टच वुड इंडिया डैड को मैंने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की थी. तो जब मेरी प्रिपरेशन हो रही थी तब मेरे डैड ने कहा कि मैं तुझे लॉन्च करता हूँ. और हम इस वक्त स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे. हमारे पास एक स्क्रिप्ट आई, एक साउथ की फिल्म आई जिसकी ये फिल्म रीमेक है और वो अलग से सेपरेटली हम लोग उसको अक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे. एट द सेम टाइम हमारे राइटर थे शिराज अहमद, उन्होंने मेरे डैड को सजेस्ट किया कि अगर प्रभु सर ऑन बोर्ड आए मुझे डायरेक्ट करने के लिए तो कैसा रहेगा. ये जो है बहुत ही यंग यूथफुल रोमांटिक फिल्म है. यूजली मैं आई यूजली डोंट डू रोमांटिक फिल्म्स, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था एंड तो मुझे बहुत मज़ा आया. जी रमैया वस्तवैया, रमैया इसका मतलब ये है कि राम विल यू कम, मेरा नाम है राम फिल्म में. जी फिल्म में एक रोमांटिक फिल्म है एट इट्स बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशन और लॉट ऑफ फैमिली एलिमेंट्स इन इट. कि मतलब मेरे दूर के रिश्तेदार भी फिल्म में, इट्स अ वेरी होलसम फैमिली फिल्म. और जैसे कि इस फिल्म में एक भाई और बहन का प्यार है, एक बेटे और बाप का प्यार है, एक लड़के लड़की का प्यार है, तो इट हैज़ लाइक प्योर इमोशंस यू नो. मुझे लगा कि इस पिक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड डायरेक्टर ऑफकोर्स. तो सबको प्रभुदेवा जी के बारे में पता है, उनका यू नो द काइंड ऑफ फिल्म्स ही मेक्स एंड हाउ सक्सेसफुल दे आर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सोना का जो कैरेक्टर है वो इस पिक्चर में एक बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर है. तो पूरा पिक्चर जो है इट मूव्स अहेड एंड मूव्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर, इस लड़के के कैरेक्टर को. श्रुति की जो कास्टिंग थी वो मेरे डैड और प्रभु जी ने की थी और वी वर ट्राइंग टू हैविंग सेवरल ऑप्शंस बट एट द टाइम हमें चाहिए था कि कोई प्रभु सर हैड दिस थॉट दैट आई शुड बी द ओनली वन दैट इज न्यू, एवरीबडी एल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड. एंड प्रभु सर आल्सो थॉट एंड मी एंड श्रुति कि हम दोनों की पेयरिंग बहुत ही अच्छी लगेगी और क्यूट लगेगी एंड टच वुड फ्रॉम द फीडबैक आई एम गेटिंग पीपल आर रियली लाइकिंग दैट. लोगों को तो जीने लगा हूँ. जब पहली बार सुना मुझे लगा हाँ ये कैची सॉन्ग है बट वी गॉट लाइक 5 मिलियन हिट्स एंड सबको इतना अच्छा लग रहा है गाना, सबके रिंग टोन्स. तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज डेफिनेटली एक पिक्चर का जो बज़ होता है पॉजिटिव हो तो आई थिंक पीपल विल बी एक्साइटेड टू सी इट. तो मैं बहुत खुश हूँ. इट्स नॉट एज आई सेड इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंड रोमांटिक फिल्म, तो एक्शन थोड़ा लिमिट में है. सेम जैसे राउडी और वांटेड में जितना एक्शन था उसका उतना ही रोमांस है और एक्शन थोड़ा कम है. और लेकिन है एक दो सीन्स हैं क्लाइमैक्स. माय कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि यू नो प्रभुदेवा को क्या चाहिए, उनको पक्का पता है एंड वी जस्ट हैव टू फॉलो हिम एज एक्टर्स. तो आई कांट पिक वन इंस्टेंस एंड टेल यू बट द होल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस. आई थिंक आपको ये पिक्चर अच्छी लगेगी बिकॉज इट्स अ सिंपल लव स्टोरी. फैमिली में हर एक मेंबर इस फिल्म को एंजॉय कर सकता है. तो प्लीज कम सी अस एट द मूवीज. Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.